और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सतना नदी के तट पर स्थित सतना जिला के बारे में। दोस्तों, सतना जिला उस क्षेत्र के इतिहास का हिस्सा है जिसे बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रीवा संधि राज्य द्वारा शासित था। दोस्तों, सतना मध्य प्रदेश का सातवां सबसे बड़े आबादी वाला जिला है। यह अपने सीमेंट फैक्ट्री और सीमेंट उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दोस्तों, सतना के पूर्व में रीवा, पश्चिम में पन्ना, उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में कटनी उमरिया और शहडोल से घिरा हुआ है। सतना जिला कुल 7,502 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें से 1752.90% किलोमीटर का क्षेत्रफल जंगलों के अंतर्गत और 5,207.73 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कृषि के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक संरचना की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सतना जिला एक वह प्रशासनिक क्षेत्र में फैला हुआ है। सतना जिला रीवा संभाग में मध्य प्रदेश का एक जिला है, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय सतना शहर स्थित है। दोस्तों, सतना जिले के अंतर्गत 8 उपखंड आता है तथा ब्लॉक सुहावल, अमरपाटन, मेहर, मजगवा, नागौद, रामपुर, बघेला, नरामनग, 11 तहसील, 703 ग्राम पंचायत तथा एक नगर निगम सतना एक नगर पालिका है। दोस्तों, सतना तक पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग और रेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां एक और राष्ट्रीय राजमार्ग NH30/1H39 गुजरती है। वहीं सतना बस स्टैंड शहर के केंद्र में अवस्थित है, जहां रीवा, पन्ना, छतरपुर के लिए बस उपलब्धता लगातार होती है और स्थानीय स्थलों चित्रकूट, मेहर, बिरसिंहपुर, नागौर, रामवन तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर रेल मार्ग में मुंबई हावड़ा मुख्य लाइन पर मौजूद होने के कारण यह भारत के कई शहरों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बात अगर हवाई मार्ग की करें तो सतना का निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो एयरपोर्ट है, जो 130 किलोमीटर छतरपुर सतना रोड से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जबलपुर हवाई अड्डे से सतना 215 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, सतना जिले में पुरातात्विक, धार्मिक और पर्यटक रुचि के कई प्रमुख स्थल है। माँ शारदा माता मंदिर महर, शिव मंदिर बिरसिंहपुर, चित्रकूट धाम, भरहुत स्तूप, वेंकटेश मंदिर, कुंवरमठ, सरभंग ऋषि आश्रम, अंबिका धाम रिमारी, सती धाम रिमारी आदि सम्मिलित है। दोस्तों, सतना जिला एक घनी आबादी वाला जिला है, क्योंकि 2011 के आंकड़ों के अनुसार सतना जिले की कुल आबादी 22,28,935 है, जिसमें से पुरुषों की आबादी 11,57,495 और महिलाओं की आबादी 10,71,440 है। वहीं यहां का लिंगानुपात 926 महिला प्रति 1,000 पुरुष है। दोस्तों, सतना जिले को इसमें काफी सुधार करने की जरूरत है। दोस्तों, धर्म के आधार पर देखा जाए तो सतना जिले में रहने वाले लोगों में हिंदू 96.85% और मुस्लिम 2.67% तथा बाकी के लोग अन्य धर्मों से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, सतना जिला में कई सारे सिंचाई एवं परियोजनाएं हैं, जहां सतना जिला बरगी परियोजना से लाभान्वित जिला है। बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया पहला बांध है। बरगी परियोजना को रानी अवंती बाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। सतना जिले की प्रमुख नदियां सतना नदी, सोन नदी, टोंस नदी, पासुनी नदी, अमरन नदी, बरुआ नदी। सतना जिले में साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता के मुकाबले अच्छा है, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार सतना जिले का साक्षरता दर 72.02% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 81.37% और महिलाओं की साक्षरता दर 62.45% है। दोस्तों, सतना जिला में पढ़ने हेतु सतना जिले में कई शानदार शैक्षणिक संस्थान है, जिसमें शेनफोर्ड लिटिल स्टार सतना, श्यामला कॉन्वेंट विद्यालय सतना, सेठ आनंदराम जयपुरिया विद्यालय सतना, अनुपम पब्लिक स्कूल सतना, अनुपमा हायर सेकेंडरी विद्यालय सतना, क्राइस्ट ज्योति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सतना, चाणक्य पब्लिक स्कूल सतना आदि सम्मिलित है। वहीं कॉलेजों में श्री मोहन लाल कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड मैनेजमेंट सतना, आदित्य कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस सतना, राजीव गांधी कंप्यूटर अप्लिकेशनों और टेक्नोलॉजी कॉलेज सतना, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना, श्री राम कृष्णा कॉलेज सतना, गवर्नमेंट कॉलेज सतना आदि प्रमुख रूप से शुमार है। दोस्तों, बात अगर स्वास्थ्य सेवाओं की जाए तो सतना जिला में बिरला हॉस्पिटल, चित्रकूट हॉस्पिटल, झा हॉस्पिटल सतना, हॉस्पिटल लेडीज और चाइल्ड हॉस्पिटल सतना, सदगुरु सेवा संस्थान सतना, जिला चिकित्सालय सतना आदि प्रमुख रूप से शुमार है, जहां लोग शहरों से नहीं बल्कि दूर दूर से गांव के लोग इलाज कराने आते हैं। दोस्तों, सतना जिले के लोगों का मुख्य पेशा कृषि और संबंधित कार्य है। सतना में जनवरी और फरवरी के दौरान प्याज की भरपूर खेती की जाती है। सतना जिले में वर्ष 2017 से 18 के लिए श्रम बल भागीदारी 47.76% है और यहाँ का प्रति व्यक्ति आय 66,510 रुपए है। दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना के समय सतना जिले में 98.67% लोगों ने अपनी पहली भाषा के रूप में हिंदी, सिंधी और उर्दू को बताया था। इसके अलावा सतना में बोले जाने वाली भाषाओं में बघेली भी शामिल है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतना जिले में मेहर के त्रिकूट पर्वत पर माँ शारदा का एक भव्य मंदिर है। इसे मेहर देवी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र शुरू होते ही माता की जयकारों से यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर आधा को अमृत का वरदान मिला था। लोग 1,063 सीढ़ियाँ चढ़कर मेहर देवी पहुँचते हैं। दोस्तों, सतना जिले की मुख्य समस्या यानी क्राइम की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सतना जिले में वर्ष 2018 के लिए अपराध दर 253.62 है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, सतना जिला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।